नमस्कार दोस्तों, आज रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट यानी 13वां लेक्चर यानी ये आपके सामने आ रहा है 4 दिसंबर को। इसमें 39 क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन मैं और सुखदेव सोलंकी सर करेंगे। हमारे आप हमारे सोलंकी सर हैं और किशोर को तो आप जानते ही हैं, परिचित चेहरा हो गया, मेरे को आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पहले मैं और सुखदेव सोलंकी सर खड़े होते हैं। बिल्कुल जी किशोर सर, 20 के बाद आप आएंगे। थैंक यू, शुरू करें बात। यस, चलो आ जाओ। तो सोलंकी सर, आपका स्वागत है गुरुनीति में। ये लो पेन पकड़ो। सोलंकी हमारा बहुत मजबूत प्लेयर है। सोलंकी हमारे 11 फाउंडेशन को पूरा फीस आप पढ़ाते हैं, और जो बच्चा 12th के साथ सेलेक्ट होता है उनको 50% फीस आपकी पढ़ाई होती है। मोहित आर्य चाहे टॉपर है, जब सब कंप्लीट फीस आपकी पढ़ाई, क्योंकि वो तो टारगेट आए नहीं ना। क्योंकि सर भाई वो तो बच्चा आया टारगेट में, तो एक बार जोरदार ताले बजे हमारे साथी के लिए। 11th की पूरी फीस पढ़ा के और 12th के साथ आपने सीकर टॉप करा दिया, एम्स दिल्ली पहुंचा दिया बच्चे को। आ जाओ जी, बात शुरू करें। रोटेशनल मोशन सेकंड, मैंने सेकंड मतलब कल कुछ क्वेश्चन हो गए, 39 क्वेश्चन आज करेंगे, इस माने टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। डियर आज हम प्रश्न पढ़े, क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट क्यू एक्स 2.4। देखो दोस्तों, साफ कहता है कोई बॉडी है उसका किस एक्स के प्रति आई जो है वो 2.4 है, एमकेएस में है। 750 की इसको काइनेटिक एनर्जी, एक बार ध्यान देना, घूर्णन गति ऊर्जा पर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे दी। वो कहता है इसको उत्पन्न करने के लिए, मतलब इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण देता है। अल्फा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है कि इस अक्ष के पर ऐसा करने में समय कितना लगेगा इसको। ठीक है डियर, तो हम अच्छी तरह जानते हैं, एक बार ध्यान सुनना भाई, रेखीय गति और घूर्णन गति में कोई बड़ा फर्क नहीं है। वहां जो काम एस करता है, यहाँ काम थीटा करता है, बात वहां वी है, यहाँ ओमेगा है, वहां ए है, यहाँ अल्फा है। ओके डियर, ई का फॉर्मूला होता है दोस्तों वहां हाफ एम वी स्क्वायर। मैं आपकी बात रिपीट कर दूं, अब दोस्तों यहाँ क्या होता जानते हो, वहां जो एम करता है आई करता, दिस इज आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपके सामने सामने ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, क्या निकाल लो, ओमेगा निकाल लो। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया दोस्त, ओमेगा आ गया आपका 2e अपॉन आई। देखो ना, ओमेगा 2e अपॉन आई। चलो जी कैलकुलेशन कर ले आपके लिए। e बोले तो कितना भैया 750, आई बोले कितना भैया 2.4, ये ना जी आई कितना है 2.4, वो कितना है 750। तो अगला पेज बनाना, एक मिनट पेज खाली करना भैया। तो आपके सामने सामने कितना हो गया डियर, 625। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोलंकी से पूरा पूरा कैलकुलेशन करके आए, तो कितना आंसर हो गया इसका 25। व्हाट इज ओमेगा 25। तो ओमेगा क्या होता, रेडियन पर सेकंड। तो व्हाट इज ओमेगा 25। अल्फा कितना है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए इसमें, टाइम चाहिए। वापस क्वेश्चन के अंदर आना एक मिनट दोस्तों, टाइम चाहिए, वापस क्वेश्चन में आना भैया। तो अगला कहता है इसमें कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा ये निकालना आपको। तो एक मिनट इसको बिठा दो, ये तो पूरा हो चुका अपना, ये इसको अपन बिठा देते हैं। अब हम अच्छी तरह जानते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टू। अरे ये लिखते आपको क्या लिख दिया सर, अरे ये तो जानते हो ना यार, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यू की जगह ओमेगा नोट है, ओमेगा वी है, बिठा दो इसको। अब आप खुद जानते हो व्हाट इज ओमेगा नोट, जीरो। स्टार्ट कहां से हुआ था, इनिशियल से। व्हाट इज ओमेगा 25। व्हाट इज अल्फा 5 मल्टीप्लाई टी। तो दोस्तों टी इक्वल टू 25 अपॉन 5। आंसर क्या आ गया आपका 5 सेकंड। आंसर क्या आ गया आपका 5 सेकंड। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। वहां रेखीय विस्थापन है या कोणीय विस्थापन है, वहां रेखीय, वहां हर चीज के पीछे लगता है लीनियर, और यहां लगता है क्या लगेगा एंगुलर। एक शब्द होगा एंगुलर। एक बात और सुन लो, जितने भी एंगुलर हैं वो सारे क्या हैं, वेक्टर हैं। बट वो वेक्टर कौन से, अक्षीय वेक्टर हैं, एक्सियल वेक्टर। दुनिया के सारे आघूर्ण सदिश हैं, जड़ तो अंगूर छोड़ के वो क्या है, अधिश है। वो अधिश भी इसको प्रदिश कहते हैं, लेकिन वो अधिश है। ओके डियर, आगे चले। चलो सेकंड पे आ जाओ, ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो कहता पहिए की परिधि, मतलब सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है पृथ्वी के संपर्क में है, पहिए की रेडियस 5 है, पहिए के आगे की ओर आधा चक्कर लगाने पे पीक का विस्थापन क्या होगा। पेज खाली करना भैया। देखो दोस्तों ऐसे देखो, ये एक पहिया यहां है, ये मैं इसके ऊपर यहां कलर चेंज कर दूं, और ये मेरा रेड कलर है।
अब यदि आधा चक्कर लगाएगा तो ये पहिया दोस्तों यहां आ गया, तो यहां आ गया, तो ये जो पॉइंट था कहां पहुंच गया, टॉप पे, टॉप पहुंच गया। और ये डिस्टेंस है, आप जानते हो टोटल पहिया कितना होता है, 2πr, तो कितना चला भैया, πr, तो यहां से कितना चला ये πr, और ये डिस्टेंस कितनी है 2r, तो आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए, केवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बन गया त्रिभुज, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो आपके सामने सामने इसको मैं ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, तो मेरे सामने ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो डियर इसको अपन सोल्व कर लें, तो ए बी का स्क्वायर तो ये ना तेरा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वो क्या है 4r square, तो आप ऐसा करो r square बाहर निकालो तो बाहर r बचेगा, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। जब क्वेश्चन माना भैया तो r क्वेश्चन माना भैया r 5 मीटर है, अब r कितना है 5 मीटर है, तो बाहर 5 4 प्लस पाई स्क्वायर। लो जी मैं मिटा दूं क्वेश्चन को और ये तेरे सामने आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे चले थर्ड पे आ जाओ भैया, एक आर 72 किलोमीटर पर आवर, एक तो ध्यान देने किलोमीटर पर आवर को हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये सब जानते कॉमन सेंस की बात, क्योंकि किलोमीटर पर आवर कोई यूनिट नहीं है दोस्तों, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो कॉमन सेंस की बात है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इट कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब है बेहतर मल्टीप्लाई 5/18 जो बेहतर, कहने का अर्थ ये डियर इस गाड़ी का वेग 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या कहता मुझे नहीं पता, मेरी बात पहले कर लेता हूं जी। अर्थ क्या निकला कि कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, ये इसकी रेडियस है, ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिया रुक जाता है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, गाड़ी चल रही है आपने ब्रेक लगा दी तो गाड़ी रुकेगी जाके, उसके पहले आपके व्हील ने पहिए ने कितने चक्कर लगा लिए 20, तो 20 चक्कर लगा लिए तो इसका दोस्तों 20 × 2π टोटल विस्थापन होगा। एक चक्कर कितना होता है 2π, 20 राउंड लगाए बस। अब आप खुद देखो यही मैं बात एक ही गति में करता तो मैं क्या कहता v = u - a t, यहां मैं क्या कहूंगा ω = ω0 - αt, गाड़ी रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। ओके डियर, तो ω0 = क्या है α t, मुझे क्या निकालना डियर अल्फा, दिस इज ω0/T जी, ठीक है। अब लेकिन वो चक्कर पड़ गया मेरे पास, मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे पास समय है ही नहीं ना जी, जी। मेरे पास समय नहीं है, पेज खाली करना भैया, मेरे पास समय नहीं है, हाथ अपना पाव रुकते हैं, मैं इस वीडियो कंटिन्यू नहीं करूंगा दोस्तों, हाथ अपना पाव रुक गए तो मैं इस पर फॉर्मूला काम लूंगा ω² ω0² - 2α θ जी, मजबूरी है, ये क्या है 0, ये तेरा क्या है ω² 2α θ, ठीक है डियर। तो तेरे सामने सामने अल्फा क्या आ गया ω² / 2θ, व्हाट इज ω² बस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इनकी जैसे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा इक्वल टू क्या वी कितना है 20, अभी निकला अपन 20 × 20, आर कितना है क्वेश्चन माना भैया आर कितना है 0.25, आज वापस आ जाओ 0.25 × 0.25, थीटा कितना है 20 × 2π, बोलो हाँ या ना जी, 20 × 2π, क्योंकि आप कितने साइकिल लगा रहे हैं 20 चक्कर, दिखाना क्वेश्चन में 20 चक्कर के बाद रुकोगे आप, तो 20 × क्या होगा वापस आना क्वेश्चन भैया 2π, बस इस पॉइंट को उठाओ ये आपके 100, इसको उठाओ ये आपके 100, ये आपका 4 बार कैंसिल आउट हो गया, ये आपका फिर 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 20 × 20 कैंसिल आउट हो गया। ओके डियर, बात को थोड़ा और आगे ले, तो तेरा 20 × ये तो कट गया ना आपस में, ये 16 / क्या है डियर 2π × 2 और है इसको × 2 से कर दो, ये तेरा 4, ये तेरा 4 आ गया डियर, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका 80/π, क्वेश्चन माना भैया 80/π, अब 80/π में फिर आंसर नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं, 80 में 3.14 का भाग दो तो 3-4 का एक भाग देंगे तो भाग दोस्तों लगभग कितने बार जाएगा, 25 जाएगा। माइनस का चिन्ह क्यों है, रिटार्डेशन है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या होगा इसका, ए माइनस 25.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दो GDN, कोई दिक्कत। कहने का मतलब है कोणीय गति अलग से गति नहीं है, एंगुलर मोशन अलग से नहीं है, ये जस्ट एक लीनियर मोशन ही है, कॉन्सेप्ट सारे वही काम आते हैं, प्रैक्टिस का खेल सारा है। चलो जी आगे आ जाओ। हाँ तो भाई सोलंकी सर, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में क्या दे दिया था कि इतने चक्कर के बाद रुक रहा है, अब कह रहा है कितने समय बाद रुकेगा। देखो रुकने का मतलब अंतिम वे क्या हो गया, जीरो, सीधी सी बात, रेखी हो चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। आ जाओ, क्या कहता है एक हेलीकॉप्टर इंजन की साफ कहता है, रोटेट रोटर वेलोसिटी ऑफ ए हेलीकॉप्टर इंजन चेंज फ्रॉम 330 रिवोल्यूशन पर मिनट टू 110 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक बात ध्यान देना डियर, ये ओमेगा नहीं है, ये एफ है। एफ इक्वल टू क्या है, 330 RPM राउंड पर मिनट। तो इसको ओमेगा बनाना है तो ये बनेगा 2πf, इसको आपको 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक राउंड का मतलब क्या होता है 2π, क्योंकि ओमेगा का तो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। RPM, एक बात और सुनना, इसको RPM भी कह सकते हैं, और यदि सेकंड में हो तो उसका नाम साइकिल पर सेकंड है, इसे CPS भी कहते हैं। ये सब किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके डियर, ओमेगा करना हो तो 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन सेंस की बात है। अब जरा आप आ जाओ, तो पहले दोस्तों आपका ओमेगा, ओमेगा जो पहले है वो क्या है, 330 मल्टीप्लाई 2π, फिर ओमेगा नोट कहेंगे इसको, ओमेगा क्या है 110 मल्टीप्लाई 2π, और ये कार्यक्रम कितने मिनट में हुआ पुत्र, 2 मिनट में। अच्छा यहां अपन मिनट को सेकंड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मिनट में दे रखा है। ओके डियर, तो इस पे अपन क्या निकाल, अल्फा निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे अपन अल्फा, किससे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट माइनस अल्फा, व्हाट इज ओमेगा 220, ये डबल हो गया ना, 220π, 220π इक्वल टू ये क्या हो गया 660 माइनस अल्फा टी। अब तेरे सामने इधर आएगा तो क्या बचेगा, 440 जी, 440π माइनस इक्वल टू माइनस अल्फा टी, कितना पुत्र 2, तो तेरे सामने इसको कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 220, क्या बोलना 220π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बोल हाँ यार, यस। ये न्यूमेरिकली फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये न्यूमेरिकली फिजिक्स को अच्छी करते हैं, और ये न्यूमेरिकली फिजिक्स का बहुत खत्म करते हैं। और जब तक पेन कॉपी में नहीं चलाओगे कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोचिंग बदल लो, चाहे 5 साल तैयारी कर लो, चाहे बुक्स बदल लो, चाहे दुनिया भर की किताबें खरीदो, किसी एक किताब को, मैं तो कहता हूँ NCERT CLC का मॉड्यूल, हमारी गुरु नीति और एक गाइड आती है यूनिवर्सल की, वो निकाल लो तो मेडिकल में 160-150 क्वेश्चन नंबर तो एवरेज बच्चे के आ सकते हैं। बट एक्चुअल दिक्कत यह कि बच्चा पता नहीं क्या पढ़ता रहता आजकल, उसको पता नहीं करना क्या है। अल्फा तेरे पास आ गया, अब वो कहता है कि तेरे को इंजन को रोकना है, पेज खाली कर भैया, तो दोस्तों रोकना है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। अब रुकने की बात अगला हमसे करें तो कहां से रोकोगे, 110 से, पहले क्या है 330 है, अभी किस पे है वो टोटली कैलकुलेट करते हैं, टोटली कर लेते हैं, तो वहां से करो, कोई दिक्कत तो फर्क पड़ने वाला, ओमेगा कितना है जीरो, रोकना है इसको, रोकना है तो जीरो हो गया, ओमेगा नोट रुक गया जीरो हो गया, कितना है 330 को मल्टीप्लाई करेंगे 2π माइनस 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 बोलना पड़ेगा, रुक रहा है तो माइनस हो गया, ये कितना पुत्र 220π मल्टीप्लाई टी। ओके, तो आपके सामने इस चीज को अपन थोड़ा और आगे ले तो तेरे सामने सामने टी इक्वल टू क्या आ गया 2π से 2π कैंसिल आउट कर दे, सॉरी 330 मल्टीप्लाई 2π अपॉन 220 मल्टीप्लाई पाई, इससे कैंसिल आउट हो गया, 110 हुआ, ये दोस्तों टी का मान आ गया 3 से मिनट, मिनट हो गया, यस 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 3 मिनट, क्योंकि अपना सारा कहां चल रहा है मिनट, ठीक है। तो देखा जाए कोई नई बात नहीं कर रहे हम लोग, v इक्वल टू u प्लस at की बात कर रहे हैं। ओके डियर, आगे चले, देखा जाए तो ये रोटेशनल मोशन के हमने 2 वीडियो इसीलिए लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि सुन लो रहा, यूनिट डायमेंशन से लेके रोटेशनल मोशन तक यदि 3 क्वेश्चन नीट में आए तो रोटेशनल अकेला 3 देता भाई जी, ये कांट वाला ना सिर्फ,
फिर आगे दो देता ग्रेविटेशन, फिर आगे दो देता SHM। मैं यूनिट से लेके SHM तो को बोलता हूं पार्टिकल डायनेमिक्स से। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन रोटेशनल से, SHM से और ग्रेविटेशन से आएंगे, तीनों चैप्टर से आएंगे। ये खास बात, इसलिए टॉपिक को हम ज्यादा टाइम दिया। आगे चलो भैया, अगर साहब कहता डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोन, तो कोणीय वेग, कोणीय वेग की बात नहीं है, किसी भी चीज के पीछे एंगुलर लग जाए, कोणीय लग जाए, उसके सदिश तो है पर कौन सा है, अक्ष सदिश है, गुणन अक्ष के साथ सिलसिले बात है। गुणन अक्ष मतलब जिसके सापेक्ष वो घूम रहा है। बोलो हाँ या ना? यस। चलो थैंक यू, आगे चले। ये एक नया क्वेश्चन है, ये अच्छी प्रोग्रेस बात करेगा अपन। यहां एक शब्द आएगा दोस्तों, रिड्यूस्ड मास। क्या शब्द आएगा? रिड्यूस्ड मास, हिंदी में बोलते हैं सामान्य द्रव्यमान, इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है भैया, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। अगला साहब कह रहे हल्की छड़ की लंबाई एल है, हल्की छड़ का मतलब छड़का मास है नहीं है, और हमारे सिलेबस छड़का मास है भी नहीं, छड़का मास आगे क्या बढ़ गया IIT में, तो फिर IIT में जा बड़ी क्यों नहीं भैया, सीधी सी बात है। इस पे M1 M2 मास के दो पिंड जुड़े हुए हैं, इस छड़ के लंबवत तथा इसके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व पे खाली करना भैया। इसका सिंपल अर्थ दोस्तों, ये कोई M1 मास है, ये कोई M2 मास है, और इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सीधा बोल देता हूं मैं, दिस इक्वल टू I = μr² R is always total distance, धारणा से इसका जी। एक M1 मास है, एक M2 मास है, जिनके बीच किसी प्रकार का कोई मास का वेटेज नहीं है, तो I = μr² है, और म्यू जो रिड्यूस्ड मास है। अब ये दोस्तों पढ़ाने वाला टीचर मेरा साथी पूरा पढ़ाएगा, मैं सीधा कर देता हूं, μ = m1 × m1/m1+m2, तो I = μr² सुन लो एक मिनट पे, रिड्यूस्ड मास पे एक क्वेश्चन सुन लो पूरा, M1 मास, M2 मास, ये कौन है सेंट्रो मास, द्रव्यमान के गुजर रही है, या आप ये कह सकते हैं केंद्र से गुजरने वाला लंबवत अक्ष जी, तो I = μr² बट आर कितना टोटल डिस्टेंस, हाँ ये रखना दोनों मास के बीच डिस्टेंस है, म्यू क्या होता है m1 × m2/m1+m2। ओके डियर, और हकीकत में तो आता कहां से, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, मैं इस डिस्टेंस को माना r1 कहूं और इस डिस्टेंस को मैं r2 कहूं, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बनेगा m1 r1 = m2 r2। उसका फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो सारा कुछ आता है, तो हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, बोर्ड साइड निकला रहे हैं पढ़े, तो आपको म्यू याद रखना है, एक M1 मास है, एक M2 मास है, रिड्यूस्ड मास के फॉर्म में आ जाओ, I = μr² बार बार कह रहा हूं, आर दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस है। ओके डियर, यहां तक हमारा काम हो गया। अगले क्वेश्चन में ये लाडला क्वेश्चन अपना, चार कण है, प्रत्येक का मास m है, एल भुजा वाले वर्ग के वर्ग एक यहां रख दिया, वर्ग के तल के लंबवत है, और इसके केंद्र से इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया धन जी। अब एक बात सुन, कल भी कहा था, भगवान का शुक्र है कि जड़त्वागुण वेक्टर नहीं है, अदिश है, ताकि अगली माता थोड़ी नहीं हो, इस अक्ष के प्रति निकालना है तो इसके प्रति निकाल लो, जैसा इसके प्रति है वैसे इसके प्रति है, वैसे इसके प्रति है, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं जानता हूं चित्र है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो टोटल क्या होती है √2a, और ये कितनी बचती है a/√2। याद रख लो, कोई भी स्क्वायर है उसकी भुजा ए है, तो एक कोने से सेंट्रिक दूरी क्या होगी a/√2। दोस्तों I = 4mr² का मतलब है a² / 2, दिस इज 2m² ओके डियर। ये इसका क्या है टोटल आई, उस आई को बराबर कर दो एम के स्क्वायर, क्योंकि अभी हम क्या पूछिए रेडियस ऑफ गायशन, टोटल मास, तो हाँ यस टोटल मास मैंने कैपिटल एम कर दिया, टोटल मास, टोटल मास। ओके डियर, तो 4m से 4m कैंसिल आउट हो गया, तो तेरे सामने सामने डियर, अच्छा एल भुजा एल ली है ना, तो तेरे सामने ये क्या है l² / 2 = k², तो k = l/√2 सही है। हमारे अजय सर भी एक बहुत यंग लड़के हैं सामने बैठे, उसको भी लेके आएंगे हम लोग, आप अजय सर आओ, आपका परिचय करके आपके मास्क उठा गया अपना l/√2। तो दोस्तों ये हमारे अजय सैनी है, हमारे डाउट काउंटर में बहुत मजबूत पिलर है मेरे अजय सैनी, जो बिल्कुल आज इसको बैठाया सामने, मैंने कहा सब छुट्टियां मना के आगे बैठो बेटा, तो ये आपके सामने क्या आ गया k = l/√2। रुको एक मिनट, आपने सिस्टम का टोटल आई निकाल लिया जी। और टोटल आई हमेशा टोटल मास और के स्क्वायर के बराबर होता है, यही रेडियस ऑफ ग्रेशन निकालने का कॉन्सेप्ट है, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका सातवां क्वेश्चन हो गया, ओके डियर, तो आप दोनों बड़े प्यार से हो गए अपने, आठवें पे आते हैं, क्या कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थ्री सर्कुलर डिस्क, साफ कहता पतली वर्ताकार चक्की, चक्की दे दी, डिस्क दे दी, कर दे भैया डिस्क, इसके व्यास के पारी
डायमीटर के प्रति। देखो कल भी मेरी बात हुई थी, ये x कुछ है अगला, तो एम आर स्क्वायर बाई टू और ये एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये सिंपल क्वेश्चन था ले लिया हमने। और दोस्तों इसी में यदि ये यहाँ देखो, देखो एक कपड़ा पहन देना मेरे को, ये है एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके साथ पूछे तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये क्या है एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये क्या है एम आर स्क्वायर फोर प्लस एम आर स्क्वायर पांच बटे चार एम आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। ये सारे आपके किससे आते हैं, पैरेलल थ्योरम से, समानांतर प्रमेय से आते हैं। ओके डियर, आगे चले भाई किशोर सर, पूरी बात आगे देखो। अगला साफ कहता है लंबाई एल तथा एम मास के एक छड़ को अर्धवृत्त में मोड़ दिया, यानी ये जो आपका अर्धवृत्त बना इसमें खास बात है रेडियस कितनी बनेगी इसकी, देखिए तो रेडियस दोस्तों इसकी बनेगी पाई आर इक्वल टू एल, तो टोटल क्या होता है टू पाई आर, तो पाई आर इक्वल टू एल, तो आर इक्वल टू एक्चुअल यहां क्या है एल बाई पाई है। फिर दोस्तों इसको पूरा कर लो चाहे आधा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस शख्स के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, रिंग 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 टू कर दिया जी जी। ओके तो एम तो क्या रहेगा एम टू और आर क्या रहेगा एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आंसर हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर। ओके डियर एम एल स्क्वायर अपॉन टू पाई स्क्वायर, बोलो हाँ जाना जी। सिंपल क्वेश्चन था, एल लंबाई है एम मास है उसका, दोस्तों हम यदि बनाए एक हेमिस्फीयर बनाए ठीक है ना, तो सेमी सर्कुलर रिंग है तो वो पाई आर इक्वल टू एल होगा, आर इक्वल टू एल अपॉन पाई होगा, ये आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे चले, ये देखो एक बात सुनो, सुने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीधा सा फंडा आई इक्वल टू है एम आर स्क्वायर ठीक है भैया, आर हमेशा कहां से नापते हैं रोटेशन अक्ष से, रोटेटरी अक्ष से, गुणन अक्ष से, जितना मास अक्ष से दूर होगा उतना आई ज्यादा होगा और जितना मास नजदीक होगा उतना आई कम होगा। तो ये क्या कहता है कि एक डिस्क दे दी किस अक्ष के प्रति, ये साफ कहता है किसी एक समान वर्षा का डिस्क का जड़त्व गुण इसमें अधिकतम किस पे होगा बी पर होगा, साफ साफ बता देगा नेगेटिव डिस्टेंस भी है, ये सीधी सी बात है, बोलो बोलो जी अजय सर बोलो किस पे होगा बी पर होगा, क्योंकि इसके सापेक्ष क्या है, देखो इसके पास मास है, इसके पास इससे पूरा मास दूर है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर होगा उतना आई ज्यादा होगा। ओके डियर आगे चले, ये देखो ये एक बहुत सोना क्वेश्चन है, एक टेनिस रैकेट मैं इसको पेपर से पेज, आप एक बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें पूरा थोड़ा सा, एक क्वेश्चन पीछे हो जाए बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें पूरा, तो अब इसको मैं यहां से पढ़ कर दूं कि मुझे पेज खाली करना पड़ेगा इसका, आओ भाई पेज खाली करें दोस्तों, ये एक्चुअली क्या कह रहा है एक टेनिस का, ये ऐसे मान लो ऐसे ही ऐसे रैकेट हो गया। अगला साफ कहता है कि टेनिस रैकेट जो मास एम रेडियस आर है, इसकी मास एम है इसकी रेडियस आर आर है से, तथा एम द्रव्यमान की छड़, इस मास इसका छड़ मास कितना है एम है, इसका मास भी क्या है एम है, उसका मास भी क्या है एम है, यदि रिंग और छड़ समाक्षीय है तो छड़ की रेखा रिंग के केंद्र से गुजरती है, तब समतल के लंबवत तथा रिंग के केंद्र के सापेक्ष दोस्तों इस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कितना है, सीधी सी बात है ध्यान दे क्लास, कुल भाई बात है ये एक वलय है ये एक रोड है और डियर इसकी लंबाई एल है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस तो क्या है एल बाई टू है और ये डिस्टेंस अपने आप में क्या है आर है, बस फिर से वही बात जड़त्व आघूर्ण क्या है स्केलर है, इसे जोड़ रहेगा नहीं, ये कौन है पुत्र आपकी वलय है, तो इस अक्ष के प्रति कितना हो गया बोलना एम आर स्क्वायर जी प्लस छड़का, अब छड़का देखो इस अक्ष के प्रति, इसके प्रति निकालना ना, तो इसके प्रति निकालने का मतलब इस प्लस ये फॉर्मूला, तो वो कितना होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस बोलना जरा आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम, ये इसका आंसर है जी। अब आप ऑब्जेक्ट में आए एक मिनट, अब ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको इसने थोड़े से आगे और कंप्लीट सोल्व करना सोल्व करना पड़ेगा, आ जाओ पेज खाली करो कंप्लीट सोल्व करते हैं भैया, तो आपके सामने सामने ये क्या बन गया डियर एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम तो भाग दो एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, बाकी जानते हो क्या होता है
ए स्क्वायर याद है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, तो दो से कट जाएगा आर एल बचेगा, तो ये क्या बचेगा एम आर एल बस। अब आप देखो ये एम आर स्क्वायर कितना हो गया, टू एम आर स्क्वायर, ये आपका एम एल स्क्वायर बाई बारह प्लस एम एल स्क्वायर बाई कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस ये क्या है एम आर एल, ठीक है। अब अपन इसको दोस्तों पेज क्वेश्चन पे लेके आओ। अब आपका ऑब्जेक्ट कौन सा आंसर दिया इसने, इसका थर्ड, इसका आंसर दिया थर्ड इसने, वन बाई थ्री एम सिक्स आर स्क्वायर, जो आपके सामने है टू एम आर स्क्वायर, ये आपका एल स्क्वायर बाई थ्री, बिल्कुल सही कर रहे हो, और ये आपका कट गया तीन से तीस एम एल, बिल्कुल ये आपके सामने इसका थर्ड आंसर हो गया। किसी के हाथ में नहीं है, ऑब्जेक्ट मिला के आंसर निकालना पड़ेगा, बाकी ये एक समानांतर थ्योरम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर कहा जैसे अगला कहता है रैकेट बनाओ तो एक रिंग बन गई एक रोड बन गई, पढ़ के छोड़ने से काम नहीं होने वाला है जी। ओके डी एम आगे चले, फिर वही बात आगे इसमें, जिस अक्ष के प्रति मास जितना दूर है उतना मोमेंट इनर्शिया ज्यादा है। पहले बात सुनना भैया, ये आयत है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, और साफ कहता बीसी है वो टू ए बी है, बीसी जो है वो ए बी से डबल है, तो कॉमन सेंस की बात का न्यूनतम किसके प्रति होगा भैया, इजी के प्रति होगा, सीधी सी बात, सबसे न्यूनतम किसके प्रति होगा इजी के प्रति होगा, ई और इस अक्ष के प्रति मोमेंट इनर्शिया मिनिमम सबसे कम होगा। ध्यान दे क्लास, जिस अक्ष के पास जितना नजदीक मास है उसका आयु उतना ही कम हो जाएगा। ओके डी, चलो आगे चले, फिर बात आ गई, देखो उसका तीन कण है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं, उसके लिए तीन कण है, देखो एक कण यहां रखा हुआ है, एक कण यहां रखा हुआ है, एक कण यहां रखा हुआ है, प्रत्येक की भुजा एल है। अगला साफ कहता है रेखा एक्स के सापेक्ष, कौन से है इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेखा एक्स के पारित जो कि ए बी के लंबवत, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ए बी, हाँ सही सही है, एक्स के इसके लंबवत है और इसके प्रति आपको मोमेंट ऑफ इसके कारण तो क्या हो गया जीरो। ये डिस्टेंस क्या है एल, ये दोस्तों डिस्टेंस एल है, ये अपना भी क्या है एल बाई टू, ये कितनी बच गई एल बाई टू, तो एक के कारण तो क्या है एम एल स्क्वायर और एक के कारण है एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, बोलो बोलो, तो एम एल स्क्वायर ml स्क्वायर बाई फोर, तो ये आपके सामने आ गया फाइव एम एल स्क्वायर बाई पांच बट्टे चार एम एल स्क्वायर। तो ये दोस्तों को नई बात नहीं है, वही फॉर्मूले बार 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 काम आ रहे हैं, ठीक है। आगे चले, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हमने कल भी किया था, कल हमने क्या किया था कि इस डिस्क में से यहां से काटा था, आज दोस्तों यहां से काटा, याद करो कल फिर सुखदेव चौधरी सर मेरे साथ जो थे कहा भी था कि वो ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है, तो डियर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है ना, एक काम करें पेज खाली करो आप, ये ऐसी प्रॉब्लम है, पेज वापस आना क्वेश्चन मेरे को, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, और इसने यहां से काट दिया बंदे ने, यहां से वापस क्वेश्चन दिखा रहे हो भैया, ये डिस्टेंस कितनी है आर बाई थ्री का रेडियस है, वापस आ जाओ भैया, चलो मैं क्वेश्चन पेपर देख लेता हूं। देखो दोस्तों साफ कहता है आर त्रिज्या और 9m मास की वृत्तीय चक्ती है, पहले इसकी रेडियस क्या है टोटल r है, इसका मास क्या है 9m है, इससे r by 3 कितना काट दिया r by 3 की त्रिज्या की छोटी चक्ती काट दी, तो कॉमन सेंस की बात है r रेडियस का मास 9m है तो r by 3 का मास दोस्तों 9 टाइम कम हो जाएगा क्योंकि r में स्क्वायर होता है मास, तो इसका मास क्या है एम है, सीधी सी बात, इसका अर्थ यह है कि 9m की डिस्क में से जिसकी रेडियस r है उसमें से m मास की r by 3 रेडियस की एक चक्ती हमने काट दी, तो अब कहता अब बताओ बचा हुआ सिस्टम जो है उसका इसके केंद्र से गुजरने वाली, ये तो कहता ना चक्ती के तल के लंबवत तो से गुजरने वाली अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सीधा फंडा भैया टोटल का निकाल लो और इसका इसमें से माइनस करो, तो टोटल कितना आएगा कौन अरे चक्ती चक्ती है, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ऐसे बोलना होता है एम क्या है 9m, आर कितना है आर स्क्वायर अपॉन क्या है 2, तो इतना 9m आर स्क्वायर बाई टू किसके कारण हो गया टोटल के, बोलो बोलो हाँ या ना, टोटल कारण हो गया, ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आगे चलो पूछते, अब आपको इसके कारण निकालना पेन दो अपना, इसके कारण निकालना है तो डियर इसका कंपेयर तेरे को इससे करना होगा, सेम एक्सिस के अब इसके प्रति निकालना है यहां, तो यहां से निकालना है
तो इसके प्रति करना होगा। तो ये तेरे सामने क्या है, डिस्क है, डिस्क है जी जी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल आर थी, उसमें से तेरी आर बाय थ्री गई, तो यहां से यहां कितनी बची, टू आर बाय थ्री, दानना क्लास कितनी बची, टू आर बाय थ्री। ओके ओके, तो तेरे सामने इसका टोटल फॉर्मूला क्या बना, एम आर स्क्वायर बाई नाइन मल्टीप्लाई टू, डिस्कटे से प्लस एम डी स्क्वायर, प्लस एम डी स्क्वायर, एम कितना, एम, और वाट इज डी, टू आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना जी। रुक जाओ एक मिनट, क्योंकि सर अजय सर इसलिए सी बात नहीं, डिस्क है पूरी, डिस्क के कारण कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम कितना है, नाइन एम, नाइन एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इसकी बात करो केवल, और ये डिस्क है अपने आप में, तो इसके सापेक्ष लेंगे तो इसके प्रति क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर, एम कितना है यहां, एम, बट आर कितना है, आर बाई थ्री, आर स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई टू, और ये तेरा एम, टू आर बाई थ्री का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर ले पड़े हैं, देख कितना बचा, एम आर स्क्वायर 18 प्लस फोर एम आर स्क्वायर बाई फोर एम आर स्क्वायर बाई नाइन, आप इसमें से 18 एलसीएम लो जी, तो ये कितना बचेगा, नाइन एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस 8 नीट में आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसकी, कल बात हुई आज ही, मैंने फिर से कह रहा हूं, रोटेशनल मोशन अच्छा टॉपिक, इसलिए इसके दो वीडियो लिए हम लोगों ने। चलो भैया आगे चलो, फिर कोई क्वेश्चन आगे, कोई एम लंबाई, तो एम द्रव्यमान और एल लंबाई की पत्नी छड़ है, छड़ के लंबो तथा छड़ के एक सिरे से, छड़ के केंद्र से नहीं सिरे से एल बाई फोर दूरी से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या है। देख डियर, ये तेरी कोई छड़ है, ये इसका सेंटर है, और डी कलर चेंज कर, इधर से किस दूरी पर है, L by 4. ये डिस्टेंस कितनी है, L by 4, मुझे इससे मतलब नहीं होता है, मुझे मतलब चाहिए ये कितनी थी, L by 2. L by 2 से L by 4 गई, L by 4 से L by 4 गई, तो ये भी L by 4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इस अक्ष के प्रति क्या निकालना आपको, जड़त्व आघूर्ण, तो इस अक्ष का प्लस एम डी स्क्वायर का तरीका होगा ना जी, इस अक्ष के प्रति निकालना है तो भूल गए क्या, I equal to I naught plus M D square. What is I naught? ML square बटे 12 plus M D square. D कितना है? L by 4. तो कितना होगा? ML square बटे 16. बस इसी बात को। अब दोस्तों 16 और 12 है, तो शायद बेहतर को मनाएगा इसके अलावा 48 आ जाएगा। तो ये 4 बार आ गए, ये 3 बार आ गया, तो तेरे सामने आंसर आ गया 7 ML square upon 48. 7 ML square upon 48 ये आपके सामने एक आंसर आ गया। ठीक है डियर, ये 15 हो गया, आगे चले भैया, ये लाडला क्वेश्चन आ गया अपना। यदि निकाय में कार्यरत बल, ओ भैया ये जीरो है, ये जीरो है, तो डीजे बाई डीटी ये जीरो हो गया, डीजे बराबर जीरो हो गया, तो इसका मतलब जे इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। सेम कहानी है एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो दोस्तों फिर वही बात होती है, डीपी बराबर जीरो है और पी बराबर कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण, इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। यदि फोर्स जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, इससे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर पेज खाली करना, इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक बात बताऊं आपको मैं, इसका मतलब होता है जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जे इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ओके डियर, या जे इक्वल टू होता है एमवीआर, एक ही बात है, जे इक्वल टू एमवीआर भी होता है, जे इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है। यहां एक बहुत प्यारे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोगों ने, ये कोई स्टेज है, इस पे कोई आदमी खड़ा है, स्टेज घूम रहा है, आदमी सेंटर की ओर आना स्टार्ट हो जाए, आदमी सेंटर की ओर आना स्टार्ट हो जाए तो आई ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। आदमी सेंटर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी आर घट जाएगी, तो उसका आई घट जाएगा, इसका ओमेगा बढ़ जाएगा। आदमी सेंटर से केंद्र के परिधि की ओर जाना शुरू हो जाए, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आई बढ़ जाएगा ओमेगा घट जाएगा बढ़ जाएगा। यहां मुझे क्वेश्चन और याद आया, वो कई बार कहता है कि पृथ्वी है, ये अपने अक्ष के प्रति घूम रही है,
आज पृथ्वी के दिन की लंबाई 24 घंटे हो, 12 घंटे नहीं होती है, दिन की लंबाई 24 घंटे होती है, दिन की लंबाई 24 घंटे है। वो कहता पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए, पृथ्वी की रेडियस हाफ हो जाए तो बताओ दिन की लंबाई क्या हो जाएगी। तो तेरे सामने जे इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। जे क्या होता है, आई ओमेगा। इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। आई को पढ़े ठोस गोला है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2/5 mr² ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसको याद आ रहा है क्या हमारा एक मूल फॉर्मूला है, एक बदलता है, एक बदलवाता है, एक को कॉन्स्टेंट करता है। पृथ्वी वही है तो m तो क्या है, कॉन्स्टेंट। या फॉर्मूला चेंज होगा, ओमेगा r² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि r आप आधा करते हो, r आप आधा करते हो दोस्तों, ये आपका अपने आप में क्या हो गया, 4 गुना कम हो गया, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ओमेगा इक्वल टू तू जानता है 2π/T है, तो टी इक्वल टू 2π/ओमेगा है, जो पहले 24 था, 24 में दोस्तों 4 का भाग दो कितना बचा, 6। तो दिन की लंबाई कितनी होगी, 6 घंटे। यहां 2 से बनते हैं, लेकिन यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो दिन की लंबाई कितनी होगी, आंसर दोगे 6 घंटे। लेकिन दिन की लंबाई में कितना चेंज हो जाएगा, आंसर दोगे 18 घंटे। दिन की लेंथ कितनी हो जाएगी, आंसर होगा 6 घंटे। और दिन की लंबाई में कितना चेंज हो जाएगा, आंसर होगा 18 घंटे। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये किस पे डिपेंड करता है, कोणीय संवेग संरक्षण। ये क्वेश्चन नहीं थे क्वेश्चन बैंक में, तो दिमाग में आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें हो गई सारे। फिर आप देखा होगा ना, कुछ लोग स्विमिंग करते ऊपर से कूदते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, बिल्ली कूदती है पूंछ को दबा लेती, क्यों, अपने आर को कम करके ओमेगा को बढ़ाने के लिए। आई ओमेगा जे इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा या एक बात है एमआर बोल दो, ओमेगा बढ़ेगा आर घटेगा, आर बढ़ेगा ओमेगा घटेगा। जब दो चीजों का गुणा कांस्टेंट होता है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। लो जी ये बात आपकी हो गई भैया। अब आगे चलो भैया, अगले क्वेश्चन पे आ जा, 16 आ जाओ। हो गया बेटा, तो इक्वल टू 0 आओ सर, आंसर बोलना पड़ेगा सर पड़ेगा। तो 16 का आंसर हो गया जे इक्वल टू, नहीं नहीं कांस्टेंट है, जे इक्वल टू कांस्टेंट है भैया, अल्फा 0 का, अल्फा 0 यस यस यस, और अब 3 हां जे 0 नहीं है, जे तो कांस्टेंट है, अल्फा 0 है, अल्फा 0 जे कांस्टेंट है, अल्फा 0 है। ये बड़ी काम की बात आ गई है भैया, ध्यान रखना चीज का। ओके डियर आगे चलो, ये देखो भाई, एक दरवाजे की चौड़ाई 1.6 मीटर है, मुक्त सिरे खोलने के लिए एक दूरबल की आवश्यकता है, दरवाजे कब्जों से 5.4 मीटर की दूरी पर खोलने या बंद करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। देखो दोस्तों यहां एक ही फॉर्मूला, 2 = r + f, तो उतना ही है। देखो भाई दरवाजे को आप हैंडल से खोलते हो तो फोर्स कम हो जाता है, आर बढ़ जाती है, टॉर्क तो उतना ही चाहिए, जितना आपका हत्ता दूर होगा किससे, उस अक्ष से जिसके सापेक्ष गेट घूमता है, जिसके सापेक्ष गेट घूम रहा है, जितना दूर जाओगे उतना आर बढ़ेगा तो एफ घट जाएगा। और वैसे दोस्तों जानते हो इसका फॉर्मूला होता है r1 f1 = r2 f2, पहले r कितना है 1.6, कितना f लगाना पड़ा 1 न्यूटन, r2 कितना कर दिया 0.4, तो f2 कितना होगा, तो देख भाई इसको काट दे 4, तो f2 क्या आ गया 4 न्यूटन। डियर यदि तू 0.4 मीटर पे लगाता है तो तेरे को 1 मीटर की बजाय कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 4 न्यूटन। क्यों वजह सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इसमें मैं आपको ध्यान चाहूंगा इस चीज का, थोड़ा सा पेज खाली करना है। देखो डियर यहां वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी है, ठीक है ना, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, इसमें आर आर बहुत आता है। ये आर क्या है, ये आर घूर्णन अक्ष और बल की कार्यकारी अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। दिस डिस्टेंस बिटवीन रोटेटरी अक्ष एंड लाइन ऑफ एक्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसमें एक डायग्राम बना के मैं दिखाना चाहूंगा आपको। दोस्तों माना ये कोई पॉइंट है, यहां कोई ऐसे एफ फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले आप इसका, इसके साथ कितना एंगल है, थीटा, तो ये तो घटक क्या हो गया इसका, एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये घटक इसका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा डीएन, और ये इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर। तो एक तो सुनना, एफ का एफ कोस घट जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट है ना, वो कोई काम है? नहीं आता है। तो देखा जाए तो टो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ है साइन थीटा है, तो बोले आदमी ऐसे लिख देते यार, आर कोस एफ लिख देते तो भी क्या आएगा, लेकिन थ्योरी में बात आ जाए कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई काम है, नहीं आता है,
कौन काम आएगा? परपेंडिकुलर काम आएगा। यक्स इनके बीच की आपकी डिस्टेंस क्या है? आर, तो टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, पर रियल दोस्तों ये बल क्या है? आर। फोर्स कितना है? एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा अपने आप क्या बन जाता है? आर क्रॉस एफ बन जाता है, वेक्टर फॉर्म बन जाता है। ये एक चीज क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर दिमाग वाई बता दिया आपको। चलो भैया अगले प्रश्न पे आ जाओ। आर त्रिज्या वाली एक पतली वलय, पतली रिंग है कोई, उसके केंद्र से पारित घूर्ण करती है तो बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। इसको घुमाएंगे ना तो भार पर एक टेंशन लगेगी, खास क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो गया, बढ़ेगी। आगे चले भैया, ये देखो ये दोस्तों मैंने कल भी कराया था, एल्यूमिनियम का लकड़ी का मतलब हल्की और लोहे का मतलब स्टील का मतलब भारी। तो क्या कहता है? चित्र एक में स्केल का आधा भाग लकड़ी का है, आधा भाग स्टील का है। लकड़ी वाले भाग को ओ पे क्लिकित किया, स्टील वाले भाग के अंतिम सिरे पर एफ बल लगाया। चित्र दो में स्टील वाले भाग पे देखो, सुनो यार, इसमें पहले वुड है फिर स्टील है, इसमें पहले स्टील है फिर वुड है, ये दोनों चित्र एक बार रिपीट हो गए दोबारा। इंग्लिश कॉमन सेंस की बात यह है दोस्तों, वुड पहले आ गया तो वुड उतना ही मास का वुड, अरे 5 किलो रुई ले लो, 5 किलो लोहा ले लो, ज्यादा जोर किस घुमाने में आएगा? रुई लो, क्योंकि घोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो पहले आप वुड ले लो तो स्टील आपका दूर चला जाएगा, तो स्टील दूर चला गया, मास दूर चला गया, तो यहां तो आई ज्यादा है और यहां आई कम है, सीधी सी बात है। अब आप जानते हो दोस्तों, अगला कहता है अंतिम सिरे पर आरोपित किया जाता है तो त्वरण किस में होगा? तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, जिसका आई कम होता है, जिसका आई कम होता है उसको गति कराना आसान होता है, त्वरण उसका ज्यादा हो जाएगा। तो वो स्पष्ट है दोस्तों, सेकंड में आपका त्वरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 19 का आंसर क्या दिया दोस्तों? 2 नंबर दे दिया। फिर सुन लो, सेकंड का आई कम है, आई कम है, सेकंड का आई कम है। अरे यार ये ले यार, टो इक्वल टू आई अल्फा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो आई अल्फा के इनवर्स हो गया ना, ऐसे बोल दे क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों भाई, टो इक्वल टू आई अल्फा, टो तो फिक्स है, वो तो चेंज कर सकता ही नहीं, आई अल्फा को तो इनवर्स करते, तो आई अल्फा के इनवर्स है। और आई इसमें कम क्यों है? क्योंकि नजदीक आ गया, द्रव्यमान नजदीक आ गया, यहां द्रव्यमान दूर चला गया। ओके डियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। 20वां क्वेश्चन जो है ना, इसको करने के लिए बहुत से लोग बहुत त्रिकाम लेते हैं, अपना सिंपल फंडा काम लेते हैं। अपने तय पता है भाई, एक त्रिभुज में यदि ऐसे 3 बल लगे हुए होना, F1, F2 और F3, तो डेल्टा F वैसा क्या होता है? 0 होता है। बट एक शर्त है, 3 बल क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में, बस यही बात कह रहा है। ABC संभव त्रिभुज है, केंद्र O है, F1, F2, F3, AB में ये F1 है, ये आपका F2 है, सामने F3 है। अगला साफ कहता है कि टोटल 0 है, तो तीनों का जोड़ 0 कर दे, तो तीनों का जोड़ 0 का मतलब क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0, तो F0 क्या है? माइनस F1 प्लस F2, यानी F1 F2 जो है वो F3 के बराबर है। पर ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर? फर्स्ट है, किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के वेक्टर का सम 0 होने का मतलब साम्यवस्था में हो, और 0 होता है, है नहीं 0 होता है, पर भूल गया क्या? त्रिभुज का नीचे 0, बस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, आगे चलो, क्वेश्चन देखो 21 नंबर। 2 kg का एक मास 0.8 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो कोणीय वेग क्या होगा? देखो डियर क्या कहता है, मास दे दिया, रेडियस दे दी और ओमेगा दे दिया। अब वो कहता पथ की त्रिज्या बढ़ा दी हमने तो कोणीय वेग का मान क्या होगा? जरा से इसको आप करें, कैसे करोगे? चलो आप क्वेश्चन करें, एक मिनट, इस क्वेश्चन को किस तरह होगा? 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान दे रखा है जिसकी रेडियस आपको 0.8 मीटर दे रखी है, त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 44 रेडियन पर सेकंड, जो चाहिए दे रखा है अपने को, रेडियन पर सेकंड आपको दे रखी है। कोणीय वेग से घूम रहा है, यदि पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो कोणीय वेग का मान होगा, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। यस सर, MVR equals to constant, बॉडी वही है तो मास सेम है, V1 R1 equal to V2 R2। अब अपन जानते हैं V equal to क्या होता है? R omega, तो V equal to क्या होगा? R omega, तो ये क्या होगा? R square omega, R1 square omega 1, R2 square omega 2, omega 2 करते लिए हमें, तो R1 क्या है पहले 0.8
मल्टीप्लाई 0.8, ओमेगा क्या पहले 44 इक्वल टू क्या कर दिया भैया, एक कर दिया, एक मल्टीप्लाई ओमेगा टू हो गया ना जी जी, तो ओमेगा टू क्या हो गया 0.88 मल्टीप्लाई 44, तो ये आपका क्या आ गया 0.64, 64 को 44 से मल्टीप्लाई करो, ये लगभग 24 के आसपास दोस्तों आएगा, 28 आंसर हो गया इसका, 28.16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बोलो हाँ ना, यस, हो गई बात, आया बात का मजा, तो चलो ये आपका क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हम चाहते हैं आप करें, उसके बाद किशोर सर हम फिर खड़े होते हैं, चलो इसका आप लोग जवाब, इसका आप दे जवाब, सुनोगे सर आप जवाब दे, देखो प्रॉब्लम में दे रखा है, यदि एक पिंड पर बल द्रव्यमान केंद्र के दूर की ओर बिंदु पर कार्यरत है तब, कोई भी पिंड दे रखा है, अब इस पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र दे रखा है यहाँ पे दे रखा है, अब द्रव्यमान केंद्र से दूर कोई बल ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे कुछ कार्य कर रहा है या फिर ऐसे कुछ कार्य कर रहा है या फिर ऐसे कुछ कार्य कर रहा है, कोई भी कंडीशन बन सकती है, कोई भी कंडीशन बन सकती है, क्वेश्चन तो उन्होंने दे नहीं रखी है, तो इस कंडीशन में अगर बल द्रव्यमान केंद्र से गुजरेगी उसकी करिए रहेगा, तो इस कंडीशन में इसका सब कुछ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम कहेंगे टॉर्क जनरेट होगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा, अल्फा लगेगा, इस कंडीशन में ओमेगा चेंज हो जाएगा, अल्फा लग जाएगा, या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता yes, है, तो इसके दोनों के बढ़ेंगे, इन्होंने पूछा लीनियर एक्सीलरेशन चेंजेस हो सकता है, एंगुलर एक्सीलरेशन चेंजेस हो सकता है, बोथ चेंजेस, इसमें दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे इसमें, ये थ्योरी का बहुत क्वेश्चन था, तो आपके दोनों चेंजेस में हो गए, थैंक यू सर, तो 22 क्वेश्चन हो गए, किशोर सर अब आप आए अगले क्वेश्चन अपन करते हैं मिलके बैठ के, हाँ जी 23 नंबर, ये एक्चुअली में किशोर वो क्वेश्चन है ग्रह के चारों ओर गति का उपग्रह घूमना सैटेलाइट का मोशन, वो कहता है एम मास का कण है किसी तल में त्रिज्या आर के वर्तीय पथ पे घूम रहा है, मुझे इतना पता है यार वर्तीय पथ पे घूम रहा तो बंद हुई चीज है जी जी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, कोई रास्ता ही नहीं इसके अलावा, कोणीय संवेग क्या इसका एल है, ये कौन है अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है एम आर ओमेगा स्क्वायर, कोणीय संवेग जे क्या होता है मैं जानता हूं एमवीआर होता है, यस क्या होता है एमवीआर, थोड़ा सोल्व करने इसको ऊपर तू कहे तो जे इक्वल टू एमवीआर है, ठीक है ठीक है, तो ये कौन है तेरा एमवी स्क्वायर आर है, तो ऐसा कर इसको अपन थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर दे और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा एम स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो गया जे स्क्वायर हो गया ना, तो तेरा एफ इक्वल टू क्या आ गया जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यू, जे स्क्वायर अपॉन एल, एक ही बात मेरे जे अंत पड़ी हुई है, तो एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यू, तो 23 का आंसर हो गया फोर्थ, बिल्कुल आपकी मेरी कोई इच्छा नहीं इसमें, जैसा अगला चाहता है वैसे करना है अपने, दोस्तों हम लोग सभी साथ ही मिलके आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैटर देने के बहुत मानसिकता आ चुके हैं, बिल्कुल सीएलसी की पूरी टीम अब आपके लिए काम करेगी, इसके लिए वो जूलॉजी हो चाहे बोटनी हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो चाहे आईटी के बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये और सुंदर होता जाएगा, गुरुजी की वीडियो रामबाण साबित होंगे, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आ जाओ भैया, ये मेरा डाटा क्वेश्चन है, वो कहता है इसको ऐसे भूल जा, मैं एक बात कहता तू एक मीटर लंबी रस्सी को ऐसे पत्थर को घुमा, तो एक आदमी तो एक मीटर लंबी रस्सी पत्थर घुमा रहा है और एक आदमी घुमा रहा बता आधा मीटर से ज्यादा तेज कौन घुमाएगा आधा मीटर वाला, तो इसमें सीधी सी बात है यहां भी कोणीय संवेग संरक्षण है, यहां भी एमवीआर इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, सीधी सी बात बिल्कुल, अगला साफ कहता है कि मैं इसकी आर आधी कर दूं, आर आधी कर दूं तो वी क्या हो जाएगा डबल, तो मेरी जो एनर्जी ऑफ काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर वो मेरी कितनी हो जाएगी चार है, कॉमन सेंस की बात है, आप कुछ ऊपर लोची कि किसी रस्सी से पत्थर घुमाया जा रहा है और इसकी रस्सी से मैं फेंस दूं तो एक आधा हो गया तो तेज घूम ले जाएगा, आर आधा होगा तो वेग डबल होगा, वेग डबल होगा तो काइनेटिक क्या हो जाएगी चार गुना हो जाएगी, ओके डियर ये आपका क्वेश्चन हो गया 25, ये कल के क्लास दो वीडियो से एक बॉडी एक्स एक्स के समानांतर ओ लड़के समानांतर घूम रही है तो कोणीय संवेग हमेशा क्या होगा इसका कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगी नहीं, तो डिस्टेंस कौन सी काउंट होती है लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ रोटेशन, इसको बोलता हूं लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ रोटेशन, वो कभी चेंज होगी नहीं, तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड नंबर, ओके डियर आगे चले फिर सुंदर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विथ ए सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट, केंद्रीय बल से घूमते हुए कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, इसका मतलब बड़ा गुण है शून्य जीरो कहने की बात है, बिल्कुल अब देखो ये बायोलॉजी नहीं है तुम्हारी यार, नोट्स नहीं बनते इनमें,
सीधी सी बात है, J इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टो इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है। आगे चले भैया, आगे अगले पॉइंट पे आ जाओ। डियर ये सोना क्वेश्चन है, एक मीटर स्टिक है जिसका मास 400 ग्राम है, पिवोटेड वन एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पेज खाली कर दिया, देखो डियर पेज खाली करना, ये एक रोड है इसे, ठीक है, इस अक्ष के सापेक्ष आप इसको कितना ऊपर लेंगे, 60 डिग्री, कितना लेंगे 60। दोस्तों इसमें एक्चुअल डिस्टेंस हमेशा ये नापी जाती है, तो यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या है, एमजी एल बाई फोर एच बाई एच बाई टू, यस ठीक है, और एच कितना हुआ एल कोस थीटा, एच कितना हुआ, एच कितना हुआ एल कोस थीटा। तो दोस्तों एमजी एच बाई टू एच कोस थीटा, तो एमजी एफ स्क्वायर बाई टू कोस कितना होता है 1/2 एम। सुन मैडम भैया, एम की वैल्यू है 0.4, जी की वैल्यू है 10, एच कितना है 1 मीटर, दिस इज 4, ये सब आपस में कट गए, आंसर आ गया 1 जूल। आंसर क्या आ गया 1 जूल। इस क्वेश्चन में एक ही बात काम की है कि दोस्तों डिस्टेंस जो है, फिर खाली करना भैया, डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है, कब है, जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, और ये क्लियर चीज है दोस्तों, हमारा सिलेबस तो नीट का है, वो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का ही, बस सीधी सी बात है। आगे चलो, ये देख भैया, यहां आपने बजाता बात, जब कोई वस्तु लुढ़कती हुई चलती है तो उसमें दो ऊर्जाएं होती है, एक का नाम है ट्रांसलेटरी गतिज ऊर्जा, एक का नाम है रोटेटरी गतिज ऊर्जा, इनको जोड़ोगे तो मैसदा फंडा है हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r। ये मन कल भी क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल। अब मेरे को एक बात का पता है यार किशोर, मैं इतना जानता हूं ई ट्रांसलेटरी अपॉन ई टोटल, ये फॉर्मूला मैं जाते हो बता दू, तो वॉट इज ई ट्रांसलेटरी हाफ एम वी स्क्वायर, वॉट इज टोटल हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r², ये कैंसिल आउट, कहने का मतलब है ये फॉर्मूला हो गया k² / r². अब अगला क्या कहता है, चक्की है तो चक्की का k² / r² क्या होता है हाफ बाई, हाफ होता है वैसे फिक्सर, देखो वले रिंग का 1 होता है, डिस्क का हाफ होता है, ठोस गोले का 2/5 होता है, खोखले गोले का 2/3 होता है, इधर कितना हुआ 1/2, तो 1/3, ये कितना बन गया तेरा 2/3। अब यहां सुनना बात, टोटल ऊर्जा कितनी है 3, टोटल कितनी है 3, उसमें दो कोण है रेखीय, तो गुणन कितनी है 1, इसने क्या पूछा है चक्ति की गुणन हेतु गतिज ऊर्जा तथा गुणन गतिज ऊर्जा, कुल है ये टोटल है, टोटल है कुल, कुल गतिज ऊर्जा तो कितनी है 3 और गुणन कितनी है 1, तो कुल ऊर्जा तो है 3 और गुण 1, आंसर क्या होगा 3, बिल्कुल सही। सुन लो, इसमें चाहे रेखीय पूछे चाहे घूर्णन पूछे, तुझे सुन का लिया कर, अब इसको निकालने के 2/3, इसका मतलब कुल ऊर्जा कितनी है 3, दो हिस्से उसके रेखीय गतिज ऊर्जा में है और एक ऐसा घूर्णन गतिज ऊर्जा, बोलो हाँ या ना, बस सीधा आंसर हो गया, किसके लिए है डिस्क के लिए, रिंग के लिए होता तो रिंग में दोस्तों 1 होता, रिंग में हमेशा आधा आधा होता है, याद कर ले 50% हो गया, रिंग में 50% तो है रेखीय गतिज ऊर्जा और 50 घूर्णन। चलो आगे, फिर वो चीज आगे, यदि साफ कहता है स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग, बिना घूर्णन के फिसल रहा है, बात ही नहीं, ये ना हाफ एम स्क्वायर, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कोई वस्तु बिना लुढ़के ठीक है, हाफ एम स्क्वायर, दूसरा बिना फिसले लुढ़कती है, टोटल 1 + k² / r² कौन है भैया, कौन है होलो सिलेंडर। अच्छा अगला कहता है यदि दोनों स्थितियों में चार्ज समान हो, बात ऊपर कौन है खोखला बेलन, ओ बेलन के खोखला बेलन मतलब रिंग होती है, रिंग इसको काट दे, यस 1 + 1 कर दे और 1/2 कर दे, आंसर आ गया 1/2, बिल्कुल हो गया, क्यों जी सर, ये क्या करना है, ठोस बेलन डिस्क, खोखला बेलन वलय, वलय रिंग की तरह का। आगे चलो भैया, ये देख, ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साफ कहता है दो डिस्क हैं जिनके मोमेंट इनर्शिया I1 I2 है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 चाल हैं, इनके तल के लंबो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा अक्ष के प्रति घूर्णन कर रही है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो निकाय की घूर्णन गति ऊर्जा क्या होगी,
निकाय की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी भैया? ऐसा करो देखो, पहले क्या है आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू इक्वल टू आई वन प्लस आई टू मल्टीप्लाई ओमेगा। आपने दोनों को जोड़ दिया तो दोनों के ओमेगा अलग अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों घटना के बाद जो ओमेगा मेरा सब पैटर्न घटना के बाद आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू अपॉन आई वन प्लस आई टू ये घटना के बाद सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो वो कहता है कि अब घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी, पेज खाली करना। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा दोस्तों हो जाएगी हाफ I1 प्लस I2 जो भी बात जड़ तो आप उस दिशा से ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ये रहा I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इसको इसे कैंसिल आउट कर दे, ऑब्जेक्ट निकालना भैया। तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट इसका बनेगा थर्ड आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा होल स्क्वायर बटे टू आई वन। वापस दिखाना मेरे को दोस्तों, ये त्याज्य दो नीचे रहा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया किसको आजा बेटा, आंसर हो गया इसका थर्ड। इन न्यूमेरिकल्स में आप देखो थोड़ा बहुत सोचो ना, रुको एक मिनट। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस ही आपके टॉपिक को मैं बताऊं, देखो 2019-2020 में तो पेपर बहुत ईजी आए, कंपेयर नहीं करता मैं 16-17-18 के पेपर ही बात करूं ना, जो कट ऑफ 510-20 नंबर रह रही थी ने। उस समय 35 क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी आते थे। 35 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करो ना तो 125-30 नंबर तो फिजिक्स में किसी की आदत है। अब लड़का क्या करता है, वो 45 करने के चक्कर में पूरी अपनी मिटेमेट कर लेता कार्यक्रम। आप भैया 90% फिजिक्स बहुत इजी है, उसको ढंग से कर लो तो आराम से आप 40-35 ठीक कर लोगे, पास नेगेटिव हो गए तो भी आपके 140-145 स्कोर आ जाएगा। कब है? 17-18 की बात कर रहा हूं मैं, जब कटो 520-30 नंबर हुआ करती थी। अब तो 520 के बच्चे रैंक भैया 60,000 में है, मैं 19-20 की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे चले। फिर वो प्रश्न आ गया, यहां से वो गिरेगा वो चीज। यस, देखो तो उसका कहता है एक मीटर लंबी छड़ को ऊर्ध्वाधर खड़ा करके इस प्रकार गिराया जाता है कि प्रतिष्ठित जुड़ा एक ऐसे आ रही है, ऐसे गिरती है, गिरती है बस। तो किस वेग से टकराएगी? तो एनर्जी कंजर्वेशन। यस, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन एम जी एच बाई टू इक्वल टू हाफ आई ओमेगा। बोल बोल किशोर बोल, बिल्कुल ये एच नहीं आएगा, एच बाई टू क्योंकि सेंट्रो सेंट्रो मास। बस 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 ओके। तो एम कितना है? एम पे कट जाएगा। अब तू देख एम जी एच बाई टू इक्वल टू हाफ आई कितना होगा किशोर यहां पर? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। यस, क्योंकि छड़ किसी एक किनारे के सापेक्ष है। एम एल स्क्वायर बाई थ्री मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। देख एम से एम कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर। और एक काम कर, दो से दो कैंसिल आउट कर दे, ठीक है पुत्र। और ये एच है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक ही बात है ना। तो ये तेरे सामने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया भाई? देख ये तेरा थ्री जी, थ्री जी अपॉन एल का अंडर द रूट है। फिर ये ओमेगा इक्वल टू थ्री जी अपॉन रूट एल। एल कितना है? एक मीटर। जी कितना? 10-30। 30 का रूट 5 से बड़ा, 6 से छोटा। यस, ये ध्यान देना इस चीज का। यहां दोस्तों छड़ ऐसे है, ऐसे गिरी तो ये टोटल एमजीएच कन्वर्ट टू हाफ आई ओमेगा चली नहीं आ रही है, केवल रोटेशन वाइज में। लेकिन यहां एच एच बाई टू आएगा, छड़ की आधी लंबाई आएगी क्योंकि सेंट्रो मास। अब एक बात सुन, एक बच्चा कहता बोस मेरे समझ में नहीं। अरे समझ में नहीं, इस प्रश्न को पढ़ के तेरे को इसको याद करना पड़ेगा कि सेंट्रो मास एक काउंट होता है। ये तरीका होता है पढ़ने का, न्यूमेरिकल आपको समझाते भी हैं और तीन न्यूमेरिकल आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं, उसको फिर अप्लाई कर दो आप अपने अगले सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे चलो भैया। ये भाई साहब हमारा प्रिय प्रश्न है। वो कहता है एक समान घनत्व की वस्तु वक्र तल पे वेग v लुढ़क रही है और ये प्रारंभिक स्थिति इस ऊंचाई तक पहुंच जाती है, तो वस्तु क्या है? देख बच्चे, यहां से वस्तु यहां जा रही है, ठीक है ना? यहां वस्तु जा रही है तो यहां वस्तु की जो एनर्जी है वो है हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। बोला है ना? बिल्कुल, क्योंकि नत्तल पे मतलब पढ़ाता हूं भाई, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन, नत्तल पे पिंड की लोट नहीं करती। साफ कह रहा है, देख साफ कह रहा है, लुढ़क रही है। हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। पेज खाली करना। तो डियर आप खुद देख रहे हैं
आपके साथ फॉर्मूला क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एम जी एच। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। एक बार क्वेश्चन दिखाना भैया। अगला साफ कहता है ऊंचाई क्या है, थ्री वी स्क्वायर बाय फोर जी। आ जाओ भैया खाली करना, थ्री थ्री वी स्क्वायर बाई फोर जी। ये कौन बच गया डियर तेरा, वी स्क्वायर बाई टू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर। और जी से जी कैंसिल आउट कर दे, दो से दो कैंसिल आउट कर दे, तो वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। तो दोस्तों के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना बच गया है, हाफ। और किसके लिए होता है, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए। हेलो किसके होता है, डिस्क के लिए। आ जाओ क्वेश्चन निकालो, ये डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है। आया मजा, ऐसे होते क्वेश्चन। अगले पे आ जाओ, अगला देखो दोस्तों, एक बात सुनो, पेज खाली करना। मैंने अक्षर पढ़ाया था आपको, जब भी कोई इंक्लाइंड प्लेन पे गोला ऐसे लुढ़कता हुआ आएगा तो इसका जो ए है वो हमेशा होता है जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यह एक लोचा है, ये बंदा थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, इसको मॉडिफाई कैसे कर देता है, ए जी साइन थीटा वन प्लस एम के स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। एम के स्क्वायर वैसे क्या होता, आई होता है, मैंने बता कौन है, हम उसको आई कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यह भी इसका, वाई बराबर ए जी साइन थीटा वन प्लस आई, उसको ऐसे करना है, ये वन है वो आई है अपॉन एम आर स्क्वायर। कुछ निकालना भैया, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा वन प्लस, देखो ध्यान रखिए वन है ये आई है, तो ए इसका आंसर हो गया भैया फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला उतना ही है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब पेज खाली करना, आज एक नई बात हम आपको पढ़ना चाह रहे हैं, ये कोई ऐसा एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन को हमने कहीं टांग रखा है, इस पे से धागा लपेटा हुआ है, और इस धागे के नीचे हमने नीचे को एक स्मॉल एम मास लटका दिया, जो आप खुद सीन देखो तो धीरे धीरे गिरने से चल रही धागा नीचे आ रहा है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब ये ठोस बेलन है या खोखला बेलन है, उससे आई चेंज होना है, या तो आई एम आर स्क्वायर हो जाएगा या आई एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, किशोरी मेरा प्रिय सा प्रश्न, बिल्कुल देखो सूत्र। पहली बात, यहां इस अक्ष के प्रति ये घूम रही है, टी तेरा किधर है, ऊपर की ओर, तेरा स्मॉल एम जी किधर है, नीचे की ओर, स्मॉल एम ए भी किधर है, नीचे की ओर। इसका मास क्या है, कैपिटल है, इसकी मास क्या, रेडियस क्या है, कैपिटल। सबसे पहले इक्वेशन बना, तो क्या बनेगा, नीचे की ओर आ रहा है एम जी, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या है, एम ए, मुझे ए निकालना है इसका, ए तो निकाल रखा मैंने, टी yes. निकाल ए तो निकाल दिया हमने, कितना जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा थीटा क्या हो गया 90, बात खत्म होगी, बोला है ना। अब यहां देख, यहां ये घूम रहा है, तो टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, या तो टॉर्क आर एफ होता है या टॉर्क आई अल्फा होता है, बस काम किसी में यही है। अब तू खुद कहता है आर एफ, एफ का मतलब टी, टी और दिस इज आई अल्फा, यस। अब हमें क्या चाहिए, टी 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 चाहिए, तो मेरा टी की वैल्यू क्या है डियर, आई अल्फा अपॉन कैपिटल, क्योंकि आर कैपिटल लिया है, हां बोल हां यानी यस। तो टी इक्वल टू क्या है, आई अल्फा अपॉन आर, आर है कैपिटल, अल्फा पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा क्या है, भूल गया क्या, ए इक्वल टू क्या होता है, ए बाय आर, आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, ए बाय आर, ए बाय आर, तो अल्फा इक्वल टू ए बाय आर है, तो इधर क्या बन गया, आई ए ए अपॉन आर स्क्वायर, बोल बोल है ना, यस भाई, अल्फा क्या आ जाए, ए अपॉन आर, तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, ये टी की आ गई, इससे पहले ए निकाल, लेकिन मुझे से ए निकालना है, मुझे से टी निकालना है, तो मैं इसको इधर सॉल्व करूं, तो मेरा ए का मान आएगा टी आर स्क्वायर अपॉन आई, आई ये आई की वैल्यू पुट आप यहां करो, देखो बिल्कुल देख लिए, ये स्मॉल एम जी माइनस टी, स्मॉल एम है, ए कितना है, टी आर स्क्वायर, टी आर स्क्वायर अपॉन आई आई, ठीक है डियर, बिल्कुल। हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, हमें तो टी चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, इसको टी को इधर लाओ, तो ये इधर ये उधर ले जाओ, तो ये तेरा क्या बना, एम जी बराबर आर स्क्वायर टी अपॉन आई प्लस टी इक्वल टू एम जी, एम जी, ठीक है डियर, यस। इन सबको मिटा दूं आपके लिए, अब आप देखो, तो आप टी बाहर निकालो, टी बाहर निकाला क्या बचा, वन
प्लस प्लस एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ध्यान देना भाई, वन अलग है आई अलग है, इसमें ये गड़बड़ ये होती है। इक्वल टू क्या है एमजी, एमजी तो व्हाट इज टी सी क्या होगा एल से मिलते हैं एमजी अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। बिल्कुल ये अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ये किताब के अकॉर्डिंग चेंज करके चेंज करूं तो t इक्वल टू देख इस i को तो एलसीएम ले yes. तो i ऊपर का जाएगा ना, ऊपर क्या बन गया mg i i i प्लस mr स्क्वायर mr स्क्वायर। किताब इसको ऐसे लिखती है mg को बाहर निकाल देती है, i लिखती है और i प्लस mr स्क्वायर लिख देती है। ये इस तरह से में दोस्तों तनाव हो गया आपका i अपॉन i प्लस mr स्क्वायर। तो a आ गया yes. इसका तनाव आ गया। और यदि आपको इससे पूछते इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है तो दोस्तों ऊपर या मतलब कर चुके डेरिवेशन v आ गया ओमेगा भी अगला निकाल लेगा। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन आगे है भी हमारे पास है। ओके डियर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 34 का जो सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन एम द्रव्यमान r रेडियस का एक गोला 36 तल पे u वेग से बिना पिछले लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लुढ़के तो ऊंचाई जहां तक वो जाएगा कहां तक जाएगा इस पे बात करनी है। तो डियर कहां तक जाएगा तो अपन सब जानते हैं कि एक एनर्जी क्या है mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर वन प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके डियर हाफ m v की जगह u क्योंकि अगर u देता ना तो हाफ u स्क्वायर। ओ बच्चे कौन है ठोस गोला, हाँ यस ठोस गोला मतलब 2/5 तो 1 प्लस 2/5 क्या हो गया 7/5 हो गया। दिस इज mgh m से m कैंसिल आउट कर दो h ही आपको तो 7 u स्क्वायर बाय 10 बाय 10g यस जी जाएगा तो 7 u स्क्वायर बाय 10g तो आपका आंसर आ गया। आगे चलो देखो डियर ये आ गया प्रश्न हुआ गया यस बेलन 30 डिग्री झुकाव वाले नत्तल पे लुढ़क रहा है तो बेलन का त्वरण क्या है ये ले a इक्वल टू g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब दोस्तों इसने बेलन यूज किया है तो बेलन का मतलब ठोस होगा और ठोस का कितना होता है हाफ 1/2 तो ये तेरे सामने 1 प्लस 3/2 तो 2/3 2/3 टू जी साइन 30 अपॉन 3 साइन 30 क्या 1/2 कट जाएगा आंसर क्या आ गया दोस्तों जी बाई 3 आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट जी बाई 3 ये है। लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा देखो सुनो बच्चों बिना थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं हो सकते और बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो हम पहले थ्योरी ले रहे हैं न्यूमेरिकल ले रहे हैं फिर थ्योरी ले रहे हैं और फिर दोनों को एक साथ पास आते हैं। ओके डियर आगे चलो नेक्स्ट 36 हो गया क्या हाँ तो हो गया करना अपने को 36 से दूसरा क्वेश्चन है यस 36 से 30 डिग्री कोण पे ये ले प्रश्न वही है नत्तल पे पिंड की लौटने गति रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन बना लाइट क्वेश्चन है 30 डिग्री है ठोस बेलन बिना लुढ़क रहा है तो त्वरण क्या है तो यार क्या बताऊं a इक्वल टू g साइन 30 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 क्या होगा रे 1 क्यों ठोस ना ठोस बेलन है 1/2 तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई सेम क्वेश्चन हो गया इसका आंसर भी आपका वही g/3 ये रिपीट क्वेश्चन है सॉरी रिपीट हो गया भाई रिपीट हो गया होगा खास बात ठीक है आगे चलो ग्राफ में तो यार बात ही क्या है एल और ओमेगा तो जे इक्वल टू आई ओमेगा तो जे ओ ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद करो तो एक्स वाई के समानुपाती होता है ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन कहने की बात ही नहीं आगे चलें यस आप स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखें आप 38 इसमें आपसे पूछा है ए रील ऑफ थ्रेड अनरोल्स इटसेल्फ फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी नेग्लेक्टिंग मास ऑफ द थ्रेड द एक्सेलरेशन ऑफ द रील इज तो एक तो रील जो होता है ना इसको अपने को डिस्क लाइक है वो अज्यूम करना है पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये दूसरी बात ये देखो इसमें कि जैसे मान लो मैंने यहां पर एक कोई ये अज्यूम करा ये कोई हमारे पास डिस्क है इस डिस्क पे अपने क्या कर रखा है धगा लपेट रखा है इसे और फिर इसकी एक पार्ट को अपने यहां फिक्स कर दिया अब इसको अपन जैसे फ्री करेंगे फ्री करने पर यह क्या करेगा नीचे मोशन करेगा तो ध्यान दें इसमें कि इसमें ये डिस्क ही तो क्या कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन और डिस्क यहां पे रोटेट कर रहा है तो दोनों मोशन यहां पे किसके लिए आ गई दोनों डिस्क की मोशन यहां पर क्या डिस्क यहां पे रोटेटरी मोशन कर रहा है डिस्क यहां पे कौन सा कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। तो अब देखिए इसमें सारे अपन फोर्स को शो करें तो अगर इसका मास मान लो स्मॉल एम है तो नीचे फोर्स आपका लग गया एम जी यहां टेंशन फोर्स टी
नेचर मोशन कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन आपका ए हो गया। तो अगर हम इसकी ट्रांसलेटरी मोशन को यानी स्थानांतरित गति के लिए गति के समीकरण लिखते हैं तो मेरे पास इक्वेशन इसकी बनती है, देखो नीचे गति हो रहा ना, तो एम जी माइनस का टी ऊपर की तरफ है बराबर एम ए, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अगर अपन बात करते हैं इसी के लिए, जैसे मान लो हमारे पास ये इसका रेडियस है कैपिटल आर और इस पर टी फोर्स लग रहा है, तो इस टेंशन फोर्स का इस पर टॉर्क कितना लगा, टी इंटू आर, ठीक है, तो टी इंटू आर इस पर टॉर्क लगा जो है कितना आई इंटू एल्फा है। तो ध्यान दें इसमें टी इंटू आर बराबर आई, ये है हमारे पास एम आर स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि मैं इसको डिस्क के जैसे मान रहा हूं, एल्फा मेरे पास हो गया ए अपॉन आर। अब इसको अपन सॉल्व करें, देखो इस एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इस आर से ये आर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई एम ए बाई टू, कैपिटल टी इज इक्वल टू बन गया देखो एम ए बाई टू। एक बात और ध्यान दें इसमें काम की, कि डिस्क का मास अपन क्या स्मॉल एम ने रखा है, अब चूंकि इसी के दोनों प्रकार के मोशन है तो यहां इस मास को भी आप क्या करेंगे, कैपिटल एम को भी स्मॉल एम ले लेंगे, तो एम ए बाई टू ये बन गया एक पास आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इसको पुट कर दो और ए फाइंड कर दो, तो देखो मेरे पास आ गया एम जी माइनस टी हमारे पास है कितना बेटे जी एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम ए। इसको अपन आगे ले जाए तो ये वन पहले से वन बाई टू और चला गया, तो ध्यान करें इसमें एम जी इज इक्वल टू, देखो क्या हुआ ये वन प्लस वन बाई टू, तो मैं इसको लिखता हूं एक तरह से थ्री बाई टू एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया और इससे हमारे पास जी कितना आ गया टू जी बाई थ्री, टू जी बाई थ्री। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा थर्ड जो है टू जी बाई थ्री। ठीक है बेटे, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 39, ये तो हर गाइड की हर एग्जाम की प्रॉब्लम है। यस, एम द्रव्यमान और टू ए व्यास के चार गोलों के केंद्र बी भुजा वाले ध्यान दो, ये एक कोई वर्ग है जिसकी भुजा क्या है बी है, और यहां पर जो गोले रखे हुए हैं सुरपुत्र, जो गोले रखे हुए हैं उसके रेडियस क्या है टू ए है, उनका मास क्या है व्यास, अब वो कहता है इस निकाय का वर्ग के किसी भुजा के पारित जड़त्व गुण क्या होगा। यस, साफ कहता है एन मास टू ए व्यास के चार गोले बी भुजा के वर्ग के चार गोले के इस निकाय का वर्ग के किसी भुजा के पारित, एक गोला ये रखा हुआ है एक गोला ये रखा हुआ है, इस भुजा के पारित आपको निकालना है। तो सुन, ये गोला इस लाइन पे रखा हुआ है, यस इस लाइन पे रखा हुआ है, मैं ये काम इसको एक नंबर कह दूं, इसको दो नंबर कह दूं, इसको तीन नंबर कह दूं, इसको चार नंबर, पेज खाली कर भैया, तो एक नंबर पेज खाली कर भैया, तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। व्हाट इज I1, I1 इक्वल टू I2, इसी का फंडा है 2/5 ma स्क्वायर, बिल्कुल। अब इसकी बात करें तो इसकी बात करोगे तो ये गोला यहां रखा हुआ है तो 2/5 ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, हेलो प्लस एम बी स्क्वायर, तो डीएल आई टू सॉरी आई थ्री इक्वल टू आई फोर बराबर 2/5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब सबको जोड़ दो भैया तो वो तेरा 2/5 का मतलब क्या हो गया 4/5 एम ए स्क्वायर, इसको 2 से गुणा कर ये फिर कितना आ गया 4/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर जो 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 mb square, this is my favorite, बिल्कुल। तो इस आंसर का कौन सा हो गया, आंसर हो गया बेस का 8/5 mb square बटे 2 mb square, लो जी, ओके। तो ये आपके 39 क्वेश्चन थे इस टॉपिक में जो आपको पूरे करवा दिए गए, बिल्कुल। तो दोस्तों ये रोलिंग मोशन का टॉपिक था, इसके दो वीडियो आपको दे दिए, 39 क्वेश्चन आज है, इतने कल थे, राउंड फिगर में आपको 80 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ये वीडियो आपने देखा है आज 4 दिसंबर, यदि आप अपडेट है तो मैं सारे बच्चों से अपील करना चाहता हूं गुरनीति के वीडियो आप भी देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों के हित में है, ऐसे आईटी के लिए जेई गुरनीति जेई हम लोग अपलोड कर रहे हैं, सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल आप जानते हो, प्लीज 2021 को ठोकना है पीटना है तो साथ हो जाओ हमारे, थैंक यू, जय श्री जय श्री।